करेगी. आई एम फ्रॉम रुड़की एंड मेरे जो कोर्स हैं वो है ब्यूटी थेरेपी एंड हेयर स्टाइलिंग. एंड ये हमारा जो प्रोग्राम है ये है मौलाना आज़ाद नेशनल अकेडमी के लिए ITR. हाँ सीमा, आई एम फ्रॉम मीनाक्षी. मैंने यहाँ पे मौलाना आज़ाद मानस में ब्यूटीशियन का कोर्स किया है. और जो यहाँ पे हमारी मैम है रूपी मैम, वो बहुत अच्छा सिखाती है. उन्होंने मुझे हेयर स्टाइल बनाना एंड ब्यूटी फेसियल करना एंड ब्लीच वगैरह बहुत अच्छा लगा. ITRC से ये कोर्स किया है मैंने. ठीक. माय नेम इज भूषणा, आई एम फ्रॉम रुड़की. और मैंने मानस से ITRC से हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी सर्विस का कोर्स किया है. और मैंने यहाँ पे मतलब हेयर स्टाइलिंग भी किया और फेशियल मैनिक्योर पेडिक्योर. कैसा लगा आपको यहाँ पे आके? यहाँ पे बहुत अच्छा सिखाते हैं और बहुत अच्छा लगा. मैंने यहाँ ITRC से हेयर स्टाइल का कोर्स किया है. ब्यूटीशियन का मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. मैं करौंदी से हूँ और ITRC मानस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है. मैंने जो ITRC मानस से कोर्स किया है, थैंक यू सो मच मानस द्वारा. मानस को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि बच्चों को इतना पढ़ते हैं, बच्चों को ये सब किया है, उनका बहुत बहुत थैंक्स कि बच्चे कर सके हैं जो बच्चे नहीं कर सकते. उन्हें स्कॉलरशिप के लिए थैंक यू. स्कॉलरशिप का भी है इसमें बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा. बच्चों को पैसे मिलेंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं, पढ़ाई में यूज़ कर सकते हैं पैसे. अपना ब्यूटीशियन का भी खोल सकते हैं कि उनको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा. थैंक यू सो मच. मैं स्क्रोडा से, मेरा नाम फौजिया है, मैं सिकरोड़ा से हूँ. मैं ITRC मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप अकेडमी जो है उससे ब्यूटीशियन एंड हेयर स्टाइल का कोर्स किया है. थैंक्स फॉर मौलाना आज़ाद बिकॉज इससे हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा. गर्ल्स को आगे प्रोवाइड कर दी तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, अपना ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं और अपने स्टडी में भी उनकी स्टडी में भी काम आ सकता है. थैंक यू. और मैं ITRC से मौलाना आज़ाद स्किल्स अकेडमी से ब्यूटी थेरेपी एंड हेयर स्टाइल का कोर्स कर रही हूँ. ये कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा एग्ज़ाम है. तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, इस अकेडमी ने हमें एक मौका दिया. हम छोटे से गांव से हैं लेकिन हमें ये मौका मिला जो हम आगे कुछ कर सकें. यह हमारे बहुत ही काम आने वाला है.